फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12वीं की प्रतिलोम त्रिकोणमिति से क्वेश्चन, जो कि 2020 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमें पहला क्वेश्चन है, यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर है पाई बाई टू, तो सिद्ध कीजिए कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर है साइन इनवर्स वाई। तो इसके लिए देखें कैसे इसको सिद्ध करेंगे। हमें मालूम है, हमें क्या दिया गया, यदि कॉस इनवर्स वाई की जगह हम साइन इनवर्स वाई ले आएँ तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो हमें क्या दिया है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर दिया गया है पाई बाई टू। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर एक। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर भी होता है पाई बाई टू। तो इससे हम निकाल लें कॉस इनवर्स वाई का मान, तो इससे जाएगा कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर दो। अब ये जो कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू आई, ये समीकरण एक में रख दें तो समीकरण दो से कॉस इनवर्स वाई का मान कायम रखने हम समीकरण एक में रखने पर, जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमारे पास है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर पाई बाई टू। तो हमने जो मान निकाला है कॉस इनवर्स वाई की जगह उसको रख दें, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान निकाला हमने पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर हो गया हमारा कितना पाई बाई टू। कॉस इनवर्स एक्स को छोड़कर बाकी राशियों का पक्षांतर कर दें तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू है ही हमारे पास, प्लस वाला ये पाई बाई टू माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला ये साइन इनवर्स वाई प्लस में आ जाएगा, पाई बाई टू से पाई बाई टू कट जाएगा। हमारे पास बच जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई, और यही हमें सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ कि cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3 अपॉन 4 बराबर होता है cot इनवर्स 1/3। ये आपको प्रूफ करना है। इसके लिए हम देखें, हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को लिया, वह cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 3 अपॉन 4। इसको यदि हमें सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फार्मूला लगाना होगा। अब cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का फार्मूला हमें यह ध्यान नहीं है तो हम इसको टेन में कन्वर्ट कर दें। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2020 के लिए, इसके लिए हमें इसको टेन में कन्वर्ट करें तो इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 4/3। अब यहाँ फार्मूला लग जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का, जब हम फार्मूला लगाएंगे तो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ए की जगह 1/3 प्लस बी की जगह हो गया हमारा 4/3 अपॉन 1 माइनस ए बी, ए की जगह हो गया 1/3 बी की जगह हो गया हमारा 4/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर वाले का एलसीएम निकालें, उनको जोड़ना है, एलसीएम आ जाएगा 3 का भाग जाएगा एक बार, एक का एक से गुणा एक, धन 3 का भाग जाएगा 3 में एक बार, एक का 4 से गुणा 4 बटे एक ऋण एक का गुणा 4 से करेंगे 4 बटे 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 4 और 1 5 बटे 3 बटे इनको सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 9, एक का भाग जाएगा 9 में 9 बार, 9 का 1 से गुणा करेंगे 9, ऋण 9 का भाग 9 में जाएगा एक बार, एक का 4 से गुणा करेंगे 4। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2020 के लिए। देखिए ये हो जाएगा 5 बटे 3 बटे 9 में से 4 को घटाएंगे हो जाएगा 5 बटे 9, बटे के बटे है तो ये ऊपर वाला हर नीचे आ जाएगा और नीचे वाला हर ऊपर चला जाएगा तो ये जाएगा 5 गुणित 9 बटे ये हो जाएगा हमारा 5 गुणित 3, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दिया 9, हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 3। इसको यदि हम cot में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा हमारा cot इनवर्स 1/3, और यही है हमारा राइट हैंड साइड। हम लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड को, हमने दिखा दिया काई के बराबर राइट हैंड साइड के बराबर,
और यही हमें प्रूफ करना था। तो है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 इक्वल टू पाई बाय 2। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2020 के लिए। देखिए ये है हमारे पास, इसके लिए सिद्ध करने के लिए हम लेके चले हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करा, पहले दो पदों को अर्थात tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 2 को इकट्ठा कर लिया प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 को अलग लिख दिया। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाएंगे, जो होता है हमारा फार्मूला tan इनवर्स a प्लस b, a की जगह 1 है, b की जगह 1 बटे 2 है, बटे 1 ऋण ए बी, ए की जगह 1 है, b की जगह हमारा 1 बटे 2 है, प्लस यहाँ हमारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन 3 है। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1 धन 1 बटे 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बटे 2, बटे 1 ऋण 1 और 1 बटे 2 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 1 बटे 2 धन, ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन 3। और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ये हो गया 3 बाई 2, 1 में से जब 1 बाई 2 जाएगा तो ये बचेगा 1 बाई 2 प्लस ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा tan इनवर्स, ये बट्टे की बट्टे है तो नीचे वाला हर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला हर हमारे पास नीचे आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है 2020 के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। tan इनवर्स ये हो गया हमारे पास 3 प्लस ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 1 अपॉन 3। जब और इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ फिर से फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, जो होता है tan इनवर्स a प्लस b, a की जगह हमारा 3 है, b की जगह हमारा 1 बटे 3 है, बटे 1 माइनस ए बी, ए की जगह 3 है, b की जगह हमारे पास 1 अपॉन 3 है। और सॉल्व करने पर ये होगा हमारा tan इनवर्स, इनको जोड़ें तो जोड़ने के लिए अंश का एलसीएम लेना पड़ेगा, अंश आ जाएगा हमारे पास 3, तीन का एक का भाग जब तीन में जाएगा तीन बार, तीन का तीन से गुणा होगा 9, धन तीन का भाग तीन में जाएगा हमारा एक बार और एक का एक से गुणा होगा 1, बटे 1 ऋण ये 3 से 3 कट जाएगा 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 9 और 1 10 बटे 3 बटे 0। जब और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 10 बटे 3 बटे 0, इसका मान आ जाएगा आपका 0 इन्फिनिटी। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी को लिख सकते हैं हम tan पाई बाई 2, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2 और यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो हम लेके चले थे किसको, लेफ्ट हैंड साइड को। हमने दिखा दिया काय के बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर, और यही हमें प्रूफ करना था। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो 2020 के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन।